तो फिलहाल मेरे सामने देख पाओगे है 2024 का KTM Duke 250 विद इथेनॉल 20 एंड OBD2। तो देख पाओगे मेरा हाथ में इसका की है, तो आज को अपन इसका टेस्ट राइड लेंगे और आप लोग को सब कुछ बताता हूं मैं। कूल है भाई, अबव 7000 RPM भाई साहब, 10500 RPM इसका रेड लाइन है भाई, आई थिंक आपने देखा होगा वीडियो में। मैंने एक बार पूल दे क्या हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फिलहाल आज को मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आई थिंक आप वीडियो का थंबनेल और टाइटल में देख ही लिए हो कि आज को कौन सा बाइक है। तो हाँ भाई, फाइनली हमारे श्री दुर्गापुर में आ चुका है, तो ये है KTM Duke 250 का 2024 मॉडल विथ इथेनॉल 20 एंड OBD2। तो स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा हमारा KTM दुर्गापुर को एंड सुबोधि भैया को, जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है भाई ये वीडियोज़ बनाने के लिए। अगर आपको भी KTM का कोई भी टू व्हीलर लेना है या कोई भी नया जो प्रोडक्ट आया है 2024 मॉडल वाला अगर लेना है तो आप बेझिझक ले सकते हो। तो चलो एक चीज़ बोलूँगा, इतना जो मेहनत कर रहा हूँ भाई, वीडियोस जो डेली आ रहा है, एक चीज़ बोलूँगा गाइस, प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि आपको मेरे चैनल का लेटेस्ट वीडियोस एंड नोटिफिकेशन कंटिन्यूअसली मिलता रहे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रेट अवे भाई लुक्स के बारे में बात करा जा सकते हो, काइंड ऑफ द मोस्ट अवेटेड एंड मोस्ट मतलब लॉन्च्ड KTM Duke 250 है। तो देख पाओगे ये 2024 वाला मॉडल है और इसमें KTM ने सब कुछ चेंज कर दिया है। देखो एंटायर जो स्टाइलिंग है, आई थिंक आप देख पाओगे तो स्टाइलिंग को प्रॉपरली चेंज कर दिया गया, आई थिंक आप फेस में भी देख पाओगे। तो पहले LED जो था ऐसा नहीं आता था। हाँ, तो ऑफकोर्स ड्यूक 390 में क्या है कि भाई लोग ये वाला मैंने कुछ दिन पहले वीडियो किया है, तो देखोगे ये जो साइड वाला जो है हेडलैम्प का साइड वाला एरिया उसमें LED DRL है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नीचे की तरफ ही है, तो ऐसा ही कुछ नहीं है। लेकिन जो हेडलैम्प है वो कहीं ना कहीं 390 से थोड़ा सा इंस्पायर है एंड थोड़ा सा जो 250 का जो प्रीसीडिंग मॉडल है उसको उससे थोड़ा चेंज किया गया है। एंड आई थिंक आप देख पाओगे तो लुक्स के मामले में भाई जबरदस्त लग रहा है, मतलब सेक्सी और द बेस्ट लुकिंग एंड द बेस्ट बाइक इन टू द 250 cc। तो यहाँ पे देख पाओगे टैंक पोर्शन में आपको बड़ा सा टैंक साउट मिलता है, आई थिंक देख पाओगे ड्यूक 250 लिखा हुआ है, देखो ड्यूक और 250, और ये बोल सकते हो व्हाइट और ऑरेंज वाला कलर है KTM Duke 250 का। तो देखने के मामले में, लुक्स के मामले में कहीं ना कहीं ज़बरदस्त लग रहा है। देखो इस एंगल से देखो एक ब्रूटल नेकेड स्ट्रीट फाइटर लग रहा है, आई थिंक आप लुक से भी पहचान पाओगे। तो एक चीज़ बोलूँगा, देखो टैंक को भी चेंज किया गया, पहले जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी था नियर अबाउट 13.7 लीटर के आसपास आता था, तो लेकिन अभी वाला जो है ये अपडेटेड 2024 मॉडल है, तो इसमें देखोगे आपको मिलता है ऑन स्पॉट इसको KTM ने बढ़ाया है अप टू 15 लीटर्स, तो टैंक रेंज भी ज़बरदस्त हो जाएगा अगर आप लॉन्ग ट्रिप करते हो तो। देखो फ्लिपर कैप पे आपको इथेनॉल 20 का ब्रांडिंग मिलेगा, लेकिन एक चीज़ मुझे खराब लगा, ये थोड़ा सा प्लास्टिकी टाइप का फीलिंग है, तो चलो ठीक है कुछ कर नहीं सकते, लेकिन टैक्टाइल फील है भाई। तो 15 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, इसको बढ़ाया गया है, और जो सबसे प्यारा चेंज हुआ आई थिंक आप देख पाओगे इसमें आपको कम्प्लीटली न्यू इंजन मिलता है, देखोगे LC4C वाला मोटर है, तो इसका जो मैक्सिमम पावर है भाई लोग वो है नियर अबाउट 31 BHP टू बी प्रिसाइज, एंड जो टॉर्क है 25 Nm का, तो पहले था 30 BHP एंड टॉर्क था 24 Nm का, तो इसमें 1 BHP और 1 Nm का टॉर्क को इंक्रीज़ किया गया है। देखो क्यूबिक कैपेसिटी जो है भाई सेम ही है, देख पाओगे 249.07 cc। एंड इसमें जो चेंजेस किया गया है भाई, ऑफकोर्स यहाँ पे देख पाओगे जो फ्रेम है उसको चेंज किया गया है, पहले स्प्लिट स्टेनलेस फ्रेम आता था लेकिन अभी इसको चेंज कर दिया गया है, तो अभी यहाँ पे सामने आपको एक फ्रेम देखने को मिलता है, एंड जो बैक साइड वाला फ्रेम है वो एल्युमिनियम का मिलेगा, आई थिंक आप देख पाओगे, तो ये है ये प्रॉपर फ्रेम दिया गया है। एंड ऑफकोर्स आपको पीछे वाला जो सस्पेंशन है वो डायरेक्ट ड्यूक 390 जैसे इंस्पायर्ड ही मिलता है, लेकिन ये एडजस्टेबल नहीं है, जिसमें कंप्रेशन और प्रीलोड को हम लोग एडजस्ट कर पाएंगे जैसे ड्यूक 390 में कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख पाओगे ये जो सस्पेंशन है WP Apex की तरफ से आता है, लेकिन ये ऑफ साइड है, आई थिंक आप देख पाओगे जो मोनोसॉक है वो बीच में नहीं है, ऑफ साइड है, मतलब लेफ्ट साइड की तरफ है। तो इसका क्या फायदा हुआ है मैं बताता हूँ, इसका फायदा क्या हुआ है कि एयर फिल्टर बॉक्स के लिए ज़्यादा जगह हुआ है, तो इंजन हाई RPM पे ज़्यादा ब्रीथ कर पाएगा, ज़्यादा एयर इंटेक ले पाएगा, परफॉर्मेंस इसीलिए थोड़ा सा एनहांस हुआ है, और इसमें ऑफकोर्स अंडरबेली एग्जॉस्ट मिलता है। तो अभी जो पुराना वाला जो ड्यूक 250 था, BS6 H2 बोलो या BS6 बोलो, उसमें बाहर निकला हुआ एग्जॉस्ट था, लेकिन अभी 2024 जो न्यू मॉडल आई थिंक आप देख ही पाओगे अंडरबेली एग्जॉस्ट कर दिया गया है। एंड इसमें क्या हुआ कि भाई लोग इसमें थोड़ा सा देख पाओगे एल्युमिनियम स्विंगम है, उसको भी चेंजेस किया गया है, पहले वाला एल्युमिनियम स्विंगम जो था वो थोड़ा सा अलग शेप का था, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग शेप का ही दिया गया है, आई थिंक आप देख पाओगे, तो इसको भी थोड़ा चेंजेस किया गया है। एंड फ्रंट पोर्शन में आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कैटलिटिक कन्वर्टर विद ऑक्सीजन O2 सेंसर। एक चीज़ अच्छा लगा कि देखो यहाँ पे कैटलिटिक कन्वर्टर का जो स्टील का दिया गया है जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है भाई। तो देखो एक चीज़ बोलूँगा, ग्राउंड क्लियरेंस भी डिसेंट इनफ है, लगभग मान लो 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, तो ग्राउंड क्लियरेंस भी एनहांस हुआ है ये ऑफ साइड मोनोसॉक करने के लिए, तो इसका फायदा हुआ है भाई, एयरबॉक्स के लिए ज़्यादा जगह मिला है, सीट हाइट कम हो गया है, ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा है, तो ऐसा कुछ मतलब टेक्निकल प्रॉपर हार्डवेयर बिट्स पे KTM ने अपग्रेड दिया है। और देखो सामने आपको ऑफकोर्स लिक्विड कूल मोटरसाइकिल मिलेगा, यहाँ पे देखो रेडिएटर है, लेकिन इसमें डुअल फैन नहीं मिलता है, सिंगल फैन मिलता है एज कम्पेयर टू ड्यूक 390। ड्यूक 390 का कंप्रेशन और ज़्यादा है, तो उसमें भाई लोग आपको दो रेडिएटर फैन देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें कर्व रेडिएटर है लेकिन सिंगल फैन है, तो ये मैं आपको बता दिया। एंड यहाँ पे आपको फ्रंट में देखने को मिलेगा WP Apex का सस्पेंशन जो कि 43 mm का, आई थिंक आप देख पाओगे यहाँ पे WP Apex लिखा है, बिग पिस्टन का ब्रांडिंग मिलेगा, तो ये 43 mm का आपको यहाँ पे मिलेगा प्रॉपर
USD forks from WP Apex जो KTM हर एक ब्रांड में मतलब हर एक गाड़ी में यूज ही करता है। एंड फ्रंट में आपको वही काइंड ऑफ ड्यूक 390 वाला ही आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा जो 320 mm का आई थिंक आप देख पाओगे। तो इसमें क्या फायदा है कि लाइटर व्हील्स बनाए गए हैं तो डिस्क प्लेट का जो मतलब एक्स्ट्रा वेट है उसको रिड्यूस किया गया है ताकि बाइक और ज़्यादा अच्छा से परफॉर्मेंस कर सके। एंड जो इसका जो प्रीसीडिंग मॉडल है पहले पिछला वाला उससे थोड़ा इसका वेट भी कम किया गया है। देखो यहाँ पे बाइब्री का कैलिपर देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि अच्छा बात है। ऑफकोर्स ये रेडियली माउंटेड कैलिपर है। ऑफकोर्स आपको यहाँ पे ABS में का दो मोड मिलेगा, रोड मोड, सुपर मोटो मोड और डुअल चैनल ABS के साथ आता है। स्टील वेटेड लाइन दिया गया तो कॉस्ट कटिंग कुछ नहीं किया गया है। फ्रंट टायर आपको ऑफकोर्स देखने को मिलेगा 110/70 R17, तो ऑफकोर्स रेडियल टायर दे रहा है जो कि अच्छा बात है। स्टील ब्रेस कंपनी का जो कि सही लगा मुझे, MRF की तरफ से ही आता है तो एक अच्छा लगा कि टायर थोड़ा सा ठीक है, एटलीस्ट रेवजी से अच्छा दिया गया है। MRF रेवजी थोड़ा सा मेरे को अच्छा पसंद नहीं है टायर, लेकिन ये MRF का नया स्टील ब्रेस टायर आई थिंक देख पाओगे MRF लिखा हुआ है और यहाँ पे स्टील ब्रेस का ब्रांडिंग है। तो पीछे वाला जो टायर है उसका जो मैं साइज़ आपको बताया हूँ KTM हर एक टू व्हीलर में वही देता है 150/60 आपको टायर मिल रहा है जो कि अच्छा बात है। और ऑफकोर्स यहाँ पे देखोगे पीछे वाला जो डिस्क ब्रेक है वो नियर अबाउट 240 mm का आपको डिस्प्लेट का साइज मिलेगा विद ABS का वायर जो कि देखने में सही लग रहा है भाई। और देखोगे इसमें स्टील बेडेड लाइन यूज़ किया गया है, ABS का भी वायर है। तो नया ड्यूक 250 में क्या सब चेंजेस हुआ आई थिंक मैंने आपको बता दिया भाई। ये बोला जाए तो वन ऑफ द बेस्ट 250cc का बाइक है इन द इंडियन मार्केट। जो लुक्स के मामले में बोला जाए तो भाई प्रॉपर स्कैल्पर लगता है, स्पेशली ये जो डिज़ाइन आई थिंक आप देख ही पाओगे प्रॉपर कहीं ना कहीं दूर से अगर आता है तो देखने में कहीं ना कहीं भाई 1290 का याद दिलाता है, मतलब सुपर ड्यूक काइंड ऑफ इंस्पायरिंग डिज़ाइन है। तो और एक चीज़ बोलूँगा, इतना कुछ अपडेट होने के बाद मैंने आपको बताया हार्डवेयर में क्या चेंजेस हुआ है, टायर कैसा है, ब्रेक कैसा है, एल्यूमिनियम स्विंगम कैसा है। तो टायर हगर में भी थोड़ा चेंजेस किया गया है, पहले वाला टायर हगर यहीं पर लगा हुआ आता था लेकिन इसमें जो टायर हगर है भाई टायर हगर मतलब यहाँ पे मतलब जो जिसमें नंबर प्लेट है उसमें दिया गया आई थिंक आप देख पाओगे तो ये गैप है तो ये पोर्शन देखने में अच्छा लग रहा है। और थोड़ा ये वाला टायर हगर है मतलब थोड़ा सा एडवांस टायर हगर बोल सकते हो, जो टायर पे नहीं है ऊपर में दिया गया था कि थोड़ा सा जो कीचड़ है मिट्टी है बरसात में नहीं उड़ेगा। तो इतना कुछ चेंजेस होने के बाद 2024 मॉडल में भाई लोग आपको देखने को मिलेगा सीट हाइट जो रिड्यूस किया गया है 830 mm से आपको लगभग मिलेगा 800 mm का। तो जैसे मैं यहाँ पे अगर थोड़ा सा बैठता हूँ तो मेरा हाइट है 5'8", तो आप देख पाओगे कि मेरा पैर आराम से पहुँच रहा है भाई, कोई इशूज़ ही नहीं है भाई, मतलब ड्यूक लेके भी ये फीलिंग है, देख पाओगे मेरा दोनों पैर आराम से पहुँच रहा है। एंड फील फैक्टर भी सही है। स्विच गियर्स का क्वालिटी का बात करें तो इसमें भी बहुत सारा फीचर्स आता है आपको मैं बताता हूँ। एंड ORBMs का बात करें तो ORBMs का भी क्वालिटी सही है, कहीं ना कहीं ORBMs का जो क्वालिटी है वो डोमिनर 250 या डोमिनर 400 से इंस्पायर लगता है। और ये वाला ड्यूक 250 में ऑफकोर्स आपको देखने को मिलेगा क्विक शिफ्टर, क्योंकि इसमें क्विक शिफ्टर दे दिया गया है जो कि अच्छा बात है। एंड मोरलेस मुझे एक चीज़ अच्छा लगा कि लुक्स के मामले में भाई ज़बरदस्त है। एंड ये हमारा श्री दुर्गापुर में इसका जो 100 room प्राइस है नियर अबाउट 239,000 100 room प्राइस है। एंड यहाँ पे देखोगे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, पहले क्या होता था कि कूलेंट का जो रिजर्वायर का टैंक था वो यहाँ पे था समवेयर टैंक आउट के यहाँ पे, लेकिन अभी कंपनी ने क्या किया है नया मॉडल में देखो यहाँ पे दिया, आई थिंक आप देख पाओगे कूलेंट का यहाँ पे ब्रांडिंग है और यहाँ पे कूलेंट कितना मिनिमम लो आप देख पाओगे तो यहीं से आप पोर कर पाओगे डायरेक्ट, तो ऐसा कुछ सीन है। तो मोर ऑर लेस जो भी पॉइंट्स था मैंने बता दिया है, चलो थोड़ा टेस्ट साइड लेते हैं एंड वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। पहले भाई लोग आप लोग को थोड़ा साउंड सुनाता हूँ, एक बार देखो तो न्यूट्रल पे है, एक बार साउंड सुनो भाई, वही काइंड ऑफ टिपिकल KTM साउंड है भाई। तो चलो भाई अब थोड़ा सा राइड रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सो गाइज वेलकम इन टू द राइड रिव्यू ऑफ KTM ड्यूक 250। लेकिन एक चीज़ बोलना चाहूँगा भाई, जो ट्रैफिक्स आई थिंक आप देख पाओगे तो ट्रैफिक्स का ही एक्चुअल सीन हो जाता है टेस्ट राइड करते करते। तो मोर ऑर लेस मुझे भाई चला के तो अच्छा ही लगा, ड्यूक 250 बहुत ज़्यादा स्मूथ फील हो रहा है। ऑफकोर्स ये BS6 स्टेज 2 कंप्लाइंट इंजन है तो बहुत ज़्यादा स्मूथ आई थिंक आप देख ही पाओगे। एंड स्ट्रेट अबे भाई ड्यूक 250 का पुल देखो कितना ओवरटेक करे क्या भाई साहब, पुल है भाई। इसमें नया LC4C का जो मोटर है इसमें 31 bhp दिया, बट पुल करते हैं थर्ड गियर, पुल है भाई अबव 7000 rpm भाई साहब, 10,500 rpm इसका रेड लाइन है भाई, आई थिंक आपने देखा होगा वीडियो में। तो ब्रेकिंग मुझे सही लगा भाई, थोड़ा और इनिशियल बाइट होना चाहिए था, दो ठीक लगा, ठीक ही है भाई, बाइट मुझे अच्छा लगा ब्रेक का, थोड़ा और अच्छा होता तो मज़ा आता लेकिन सही है। देखो एक चीज़ बोलूँगा, पहले वाला से ड्यूक 250 से इसका मुझे एक चीज़ फील हो रहा है कि इंजन थोड़ा ज़्यादा स्मूथ है, साउंड मोर ऑर लेस मुझे टिपिकल सेम ही लग रहा है, साउंड में ऐसा कुछ मुझे डिफरेंस फील नहीं हुआ। लेकिन स्विच गियर्स का क्वालिटी का बात किया जाए तो स्विच गियर्स का क्वालिटी को ड्रास्टिकली मतलब इम्प्रूव किया गया है, पहले वाला थोड़ा सा फिट फिनिश का दिक्कत आता था लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी फीलिंग नहीं है। अभी मैं फोर्थ गियर पे हूँ, नियर अबाउट 3000 rpm कर रहा हूँ आई थिंक आप देख पाओगे, तो सही लग रहा है मुझे चलाने में, कोई इतना इशूज़ नहीं हो रहा है। एंड KTM है तो भाई लोग मुड़ मुड़ के आपको ज़रूर देखेंगे, ये तो बात बोलूँगा
करूंगा। एंड देखो और एक चीज शेयर करना चाहूंगा, KTM Duke 250 का इंडियन मार्केट पे कौन कंपटीशन है? बोल सकते हो कोई भी नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा हाई परफॉर्मेंस और हाई RPM वाला इंजन कोई और ब्रांड नहीं देता है। हाँ बोल पाओगे भाई सुजुकी जिक्सर जो 250 है नेकेड वाला, वो इसका कंपटीशन में है, हाँ एज कम्पेयर टू क्यूबिक कैपेसिटी आप बोल सकते हो, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में आप बोलोगे कहाँ 26.5 HP या 26 BHP, कहाँ 31 BHP, भाई बहुत अंतर है भाई। एंड इसमें ऑफकोर्स आपको इक्विपमेंट ऑन ऑफर जो इतना स्ट्रॉन्ग मिला, आई थिंक आप देख ही पा रहे हो, 43mm का USD फोक्स देखने को मिलेगा भाई, पीछे ऑफसाइड मोनोसॉक्स मिलेगा, तो ऐसा कुछ परफॉर्मेंस भाई ड्यूक 250 में है। एंड देखो कट कुट मारने में भी कितना आसानी है भाई, हैंडलिंग बहुत प्यारा लगता है मुझे KTM का। दो KTM ब्रांड को बहुत लोगों ने छपरी का टैग दिया, बट ऐसा कुछ नहीं है भाई, KTM अपना कस्टमर्स को बहुत सेटिस्फाई करता है, क्योंकि ये हर एक अपना प्रीमियम बिट्स देता है अपना हर एक गाड़ी पे भाई, इसीलिए मुझे KTM इतना ज़्यादा पसंद है भाई। चलने के मामले में पर्सनली बहुत अच्छा लगा। एंड जो पावर का जो 1 BHP भरा है, जो 1 Nm का जो टॉर्क भरा है, उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, लेकिन अच्छा ही लगा मुझे पर्सनली चला के भाई, जैसा कि आप देख पाओगे। तो अब यहाँ से थोड़ा घूमेंगे एंड टर्निंग रेडियस भी आप लोग चेक कर पाओगे, तो फिलहाल अभी मैं फर्स्ट गियर पे हूँ, थोड़ा मिट्टी वाला रोड है, तो आराम से गाड़ी घुमाएंगे भाई, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। देखो टर्निंग रेडियस भी ठीक ठाक है, जैसा टिपिकल KTM का होना चाहिए। एंड एक बार पुल दे क्या, देखो चलने के मामले में पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा, देखो गाड़ी कितना जबरदस्त तरीके से पुल कर रहा है भाई, ड्यूक 250 में भी वो जान है भाई, ऐसा नहीं है। हॉर्न थोड़ा सा मुझे फीबल लगा, हॉर्न थोड़ा और लाउड होना चाहिए। देखो 4000 RPM 6 गियर, तो आप आराम से इससे ना लॉन्ग ट्रिप भी कर पाओगे, क्योंकि अभी नया वाला मॉडल में फ्यूल टैंक जो कैपेसिटी है उसको 50 लीटर्स तक कंपनी ने बूस्टअप कर दिया है, ताकि परफॉर्मेंस के साथ साथ आपका एट द सेम टाइम माइलेज तो आई थिंक थोड़ा इंप्रूव हुआ होगा, या जैसा था वैसा ही रहेगा, बट टैंक रेंज जो है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, वो 13.7 से ऑलमोस्ट 15 लीटर्स तक बढ़ाया गया भाई, तो ऐसा ही कुछ सीन है। तो एक चीज़ बोलूँगा भाई, अच्छा लग रहा है, फील फैक्टर सही है, पुराना वाला मॉडल से भी आई थिंक 2 या 3 kg तक ये हल्का ही है, क्योंकि लाइटर अलॉय जाता है, डिस्प्लेट से जो एक्स्ट्रा मास है उसको भी निकाल दिया गया है, ताकि और अच्छा से भाग सके गाड़ी। तो पता नहीं ये गाड़ी स्टॉल क्यों हो जा रहा है बार बार। तो सेकेंड गियर पे हूँ अभी मैं, देखो ओवरटेक करने के लिए इसमें इनफ जूस है भाई। देखो कोई अगर बाइकिंग स्टार्ट करना चाहता है, 200cc नहीं लेना है, KTM ही लेना है 250cc, देन आई विल से दैट भाई 250 इज़ अ बेटर डील, क्योंकि 250 विल डू द पर्पस प्रीटी वेल, बहुत अच्छा पर्पस है। देखो आप डेली बेसिस में भगा पाओगे, देखो परफॉर्मेंस भाई, परफॉर्मेंस है भाई, ऐसा बात नहीं है, परफॉर्मेंस है भाई KTM पे, चलने में बहुत सही है गाड़ी, मतलब गाड़ी अगर आप लिटरली लिफ्ट करोगे ना तो गाड़ी पुल करेगा। दो भाई ऑफकोर्स अगर 390 कोई चला लेगा तो 250 में मज़ा नहीं आएगा, बट 250 भी बहुत सही गाड़ी है भाई, नो डाउट बहुत सही गाड़ी, परफॉर्मेंस बहुत सही, मतलब अबव 5000 7000 6000 RPM जाते जाते पुल हो रहा है। देखो एक चीज़ बोलूँगा, ड्यूक 320 को आपको चलाने के लिए ना मतलब थोड़ा स्किल्स चाहिए, क्योंकि ड्यूक 320 को कोई ऐसे ही भाई रेड लाइन नहीं कर देगा, इट विल बी अ प्रॉब्लम ब्रो, बट ड्यूक 250 को आप कोई भी चला सकता है, क्योंकि उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं है जैसा होना चाहिए, तो ऐसा ही कुछ सीन है, लेकिन अच्छा लगा चला के, गाड़ी बहुत सही है भाई, मुझे तो पर्सनली अच्छा लगा। एंड इसमें स्लीपर क्लच भी आता है तो ट्रैफिक में अच्छा काम करेगा। देखो स्पीड ब्रेकर भी मैं आराम से निकल पा रहा हूँ, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस भी बड़ा है ड्यू टू ऑफसाइड मोनोशॉक। विली विली स्टंटिंग करने के लिए भी भाई ड्यूक 250 बहुत सही गाड़ी है। देखो सिटी रोड्स में भाई यही दिक्कत है भाई थोड़ा सा, तो मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा बाइक चला के। सो भाई ड्यूक 250 बहुत सही गाड़ी है, मैं अपने आपको बता दिया है कि थोड़ा सा रिव्यू लेके। टायर्स भी मुझे ठीक ही लगा, MRF का FZ वाला डिटेल टायर नहीं आता है, स्पीड रेटेड वाला टायर आता है, जो कि सही है भाई, परफॉर्मेंस आई थिंक आप देख ही पाओगे। तो मोरलेस मुझे चला के बहुत अच्छा लगा भाई, लिटरली सही गाड़ी लगा, तो जिसको लेना है भाई ले सकते हो। देखो एक चीज़ बोलूँगा, आज का डेट का इंडियन मार्केट पे द बेस्ट 250cc गाड़ी है, आई थिंक आपको पता ही होगा, तो ऐसा ही कुछ सीन है। तो मोरलेस मुझे तो पर्सनली गाड़ी चला के बहुत अच्छा लगा, बहुत स्मूथ गाड़ी है, एक चीज़ यही बोलूँगा, आई थिंक आप देख ही पा रहे हो। तो एक चीज़ अच्छा लगा कि ड्यूक 250 का इंजन कैसा है बोलो तो काइंड ऑफ प्रैक्टिकल इंजन है। देखो ड्यूक 200 बोला जाए तो उसको रेव करने के लिए आपको बाइक को ज़्यादा खींचना पड़ेगा, ठीक है। 390 के लिए आपको थोड़ा मतलब हाई RPM चाहिए, ठीक है, मतलब 390 में बहुत ज़्यादा पावर है भाई, 200 में कभी कभी थोड़ा आपको कम पावर फील हो सकता है, लेकिन जो 250 है वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ऑफ 200 एंड 390, तो ऐसा ही कुछ सीन है, मतलब दोनों का परफेक्ट मिक्सचर है भाई, इसीलिए मुझे ड्यूक 250 इतना अच्छा लगता है। क्योंकि अगर आपको 200 जितना अंडर पावर नहीं लेना है, 390 जितना ओवर पावर नहीं लेना है, देन आई विल से दैट 250 विल डू द पर्पस प्रीटी वेल, मतलब सही गाड़ी है भाई। हम यहाँ से घूमेंगे तो फर्स्ट गियर में है, देखते हैं आराम से। देखो टर्निंग रेडियस मुझे ठीक ही लगा भाई, अच्छा लगा, तो इसमें भी विली होगा भाई, परफॉर्मेंस इसमें भी अच्छा खासा दिया है 250 में, चलाने के मामले में सही, फन टू राइड व्हीकल है भाई। तो फाइनली हमारे श्री दुर्गापुर में ही अवेलेबल हो चुका है भाई,
ब्रेक का बाइट सही लगा भाई, एंड सब कुछ मुझे मोर और लेस सही लगा। तो छोटा सा ही मौका मिला था भाई लोग चलाने के लिए, तो आई थिंक होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो में मज़ा आया होगा। सो गाइस फाइनली LC4C वाला जो मोटर आया था, जो नया अपडेट हुआ था 2024 KTM Duke 250 विद इथेनॉल 20 OBD2, फाइनली मैंने चला लिया भाई। आई थिंक आप देख ही पाओगे, एक बार मैं आपको सामने का लाइट भी जला के दिखाता हूँ। की ऑन नहीं है ब्रो, जो की ऑन है एक बार आप देखो तो सामने वाला लाइट भी आई थिंक आप देख ही पा रहे हो, तो ठीक ही है लाइट थ्रो। आई थिंक रात में अच्छा लगेगा। यहाँ से भाई लुक देखो यार, ये जो लुक है ना यहाँ से भाई खतरनाक लुक लग रहा है। तो मोर और लेस मैंने फाइनली चला लिया है। एंड एक चीज़ बोलूँगा, जो डेली कंटेंट आ रहा है थोड़ा आप लोग भी सपोर्ट करो। तो ये जो हमारा सिटी दुर्गापुर का जो KTM दुर्गापुर है वहाँ पे इसका जो एक शोरूम प्राइस जाता है नियर अबाउट 239,000 के आसपास। तो चलो मोर और लेस ये वीडियो हम लोग रैप अप करते हैं एंड मिलते हैं जल्दी ही फ्रेश न्यू कंटेंट पे। और इसी तरह प्यार करते रहो, डेली डेली नया कंटेंट आते रहेगा।